आज का प्रातः क्लास है। पंद्रह नवंबर 1968। ओम शांति। बीएड का बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। कौन से बच्चों को? जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले बच्चे हैं, ज्योति बिंदु की स्थिति में, उनको समझाते हैं। समझाने वाला बाप आत्माओं का बाप है, बेहद का। अब है तो दोनों बाप, आत्माओं का बाप भी बाप है और मनुष्यों का बाप भी बाप है। मनुष्यों में मन होता है चंचल, और आत्माओं का बाप है वो तो अमन है, सदा अमन। चंचल मन की तो बात ही नहीं। तो दोनों बाप है, एक को कहेंगे रूहानी बाप, रूहों का बाप, और दूसरे को कहेंगे जिस्मानी बाप। जो भी जिस्म है, मनुष्यों के हों, देवताओं के हों, राक्षसों के हों, पशु पक्षियों के हों, कीड़े मकोड़ों के हों, सब का बाप है। अब बाप है तो सबके, सबके बीज उस बाप में ही होंगे ना। इसलिए शास्त्रकारों ने उस बाप को फारू कर लिया कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा 84 लाख योनियों में जाते हैं। समझा? नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया? हाँ, शरीर तो एक ही है, मैं एक ही है शरीर, और शरीर नहीं है। शरीर तो है, लेकिन सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाला जो आत्मा का शरीर है वो तो एक ही शरीर है, जिसे कहते हैं जिस्मानी बाप, सब जिस्मों का बाप। 84 लाख योनियों में जो भी जिस्म मात्र है, उन सब का बाप है, सब का बीज। तो सब तरह का पार्ट भी बजाता होगा, बजाता हो तो है तो दोनों बाप। तो जैसे दोनों बाप समझाते हैं, मतलब आगे पीछे तो समझाते होंगे कोई, कि दोनों साथ साथ ही समझाते हैं। अरे दोनों आत्मा एक साथ भी होती हैं क्या? शरीर एक का है, मुख एक का है, और जो पहले पहले उस मुख से ज्ञान सुनाने वाला है, अखूट ज्ञान का भंडार कहा जाता है, वो बाप पहले समझाते हैं और बाद में फिर जिस्मानी बाप भी समझाते हैं कि नहीं? भले एक समझाते हैं पहले और दूसरा समझते भी, फिर भी ऐसे कहेंगे कि दोनों बाप बैठ, ये बैठ करके समझाते हैं। अरे नहीं, क्या वो जो होते हैं ना, क्या नेता लोग प्रजातंत्र सरकार के, वो खड़े होके भाषण देते हैं कि बैठ के देते हैं? खड़े होके भाषण, ये बैठ के समझाते हैं दोनों बाप। क्या समझाते हैं? यही समझाते हैं कि भाई ये ब्राह्मणों, नीची कुलियों के ब्राह्मणों खास करके समझो, क्या है
ये जो तुम समझते हो कि हम आत्मा है, हमें ज्ञान मिल गया, हम ज्ञानी हो गए, अरे तुम आत्मा हो तो वो तो 84 लाख योनियां सब आत्मा ही आत्मा तो हैं, क्या खास बात हो गई है? हाँ, छोटी सी आत्मा हो ये ठीक है, लेकिन कौन सी आत्मा हो? देवता की आत्मा हो, मनुष्य की आत्मा हो, ऋषि मुनि की आत्मा हो, राक्षसों की आत्मा हो, कौन सी आत्मा हो? हाँ तो छोटी सी है। और आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है? मैल चढ़ा हुआ रहता है ना, कैसे मैल कैसे चढ़ता है? नहीं पता मैल चढ़ने का तरीका क्या है? अरे एक अक्षर लिखो समझ जाएंगे। हाँ, संग के रंग से मैल चढ़ता है। हवा जैसी देर अभी आत्मा का संग करेंगे वैसा रंग भी चढ़ेगा। कितना मैल चढ़ा हुआ है इस आत्मा? किस आत्मा? इस आत्मा कहा तो कोई भी तरफ इशारा किया होगा ना, बहुत मैल चढ़ा हुआ होगा तो फिर बहुत बड़ा राक्षस बनेगा ना। प्रजापिता में बहुत मैल चढ़ा हुआ है, ठीक है, बाप है ना सबका, मैली आत्माओं का सबका बाप है। तो इस आत्मा में मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है? कितना घाटा पड़ जाता है? कहा विश्व का मालिक है, स्वर्ग का मालिक है, वैकुंठ का मालिक है, दुनिया का मालिक है, और फिर क्या हो जाता है? एकदम रव रव क्या नरक का मालिक बन जाता है। तो वो घाटा कोई आत्मा में दिखाई नहीं पड़ता है? दिखाई पड़ता है? दिखाई नहीं पड़ता, आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती है तो घाटा कैसे दिखाई पड़ेगा? हाँ, जब शरीर के साथ आत्मा है तब वो शरीर से जब पार्ट बजाती है ना, चलन, हर एक आत्मा की चलन होती है ना पार्टधारी की, तो वो घाटा और फायदा देखने में आता है। तो बच्चे जानते हैं, और ये दुनिया में सभी कहते हैं, आज नहीं कहते हैं नास्तिक लोग कि हम आत्मा है, तो कल कहेंगे कि नहीं? सभी कहते हैं कि हम आत्मा है, प्योर बनेगी, क्योंकि ज्ञान तो सबको है, सबको मिलेगा कि नहीं? ज्ञान सबको मिलेगा, जब ज्ञान मिलेगा तो सब कहेंगे हम प्योर बनेंगे, और जब प्योर बनेंगी तब क्या होगा? शरीर भी तो पवित्र मिलेगा ना, है कि मूत्रपलीति मिलेगा पहले जन्म में? मूत्रपलीति जन्म तो पहले जन्म में किसी को मिलने वाला नहीं, नारायण जैसा शरीर मिलेगा, मिलेगा ना, जैसे चाहते हैं ऐसे मिलेगा। अब एम ऑब्जेक्ट भी ऐसी ही है, जैसी एम ऑब्जेक्ट होगी वैसा ही बने। तो आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है?
भी मधु निकालते हैं ना, तो मधु में से कितना मैल निकलता है, है? हाँ? और मधु कितना शुद्ध निकलती है? जब छान लेते हैं है? तो उसको फिल्टर करते हैं ना, तो कितना मैल निकलता है, कितनी शुद्ध शहद निकलती है। तो ये जो आत्मा है तो ये बिल्कुल ही मैली हो जाती है। तो वास्तव में कहा भी ऐसे ही जाता है आत्मा को, क्या आत्मा जो बहुत मैली हो जाती है, गंदे काम करती है, तो उसको कहते हैं डर्टी ब्रूट्स। डर्टी ब्रूट कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो विवेक भी कहते हैं, विवेक माने बुद्धि, बुद्धि भी कहती है कि मेरी आत्मा बिल्कुल ही, जब आत्मा बनते हैं ना, शुद्ध आत्मा बनते हैं, तो कहते हैं मेरी आत्मा बिल्कुल ही कंचन है। अब कंचन तो सोने को कहा जाता है ना, सोना किसे कहा जाएगा, अब मुलम्मा किसे कहा जाएगा, शुद्ध सोना है 24 कैरेट, तो शुद्ध स्वयं सोना कहा जाता है, और उसमें मिक्सरिटी हो गई है ना, काई काई की मिक्सरिटी, कोई भी धातु की है, चांदी हो, तांबा हो, लोहा हो, कोई भी धातु की मिक्सरिटी हो जाती है, तो उसे मुलम्मा कहा जाता है। एकदम इम्प्योर होने के कारण देखो है, एकदम प्योर और फिर एकदम इम्प्योर शरीर, फिर देखो कैसा मिलता है, प्योर आत्मा तो शरीर भी प्योर, और इम्प्योर आत्मा तो शरीर भी इम्प्योर भी। और मनुष्य पूजा किसकी करते हैं, आत्मा की पूजा करते हैं के देहधारी की पूजा करते हैं, देहधारी की पूजा करते हैं, मान लो शालिग्राम की पूजा करते हैं, करते ही नहीं, नहीं करते, तो उसको देह है, शालिग्राम को देह नहीं, देह नहीं है, तो फिर वो शालिग्राम को बंधन क्यों दिखाते हैं, ये दुख दर्दों का जो बंधन है वो दिखाते हैं ना, बंधी हुई है, कैसे बंधी हुई, मुक्त है कि बंधी हुई है, बंधी हुई है। तो देखो मनुष्य तो ऐसे शरीर को ही पूजते हैं ना जो बंधन में आ जाता, वो पावन बनता है शरीर से भी आत्मा से भी, तो फिर कहा जाता है कि सबसे पवित्र शरीरधारी और शरीर आत्मा सबसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली लक्ष्मी नारायण की आत्मा है, परंतु पूजा करने वाले पुजारी आत्मा को देखते हैं क्या, के शरीर को देखते हैं लक्ष्मी नारायण का शरीर देखते, देखो नहीं आत्मा को नहीं देखते हैं। जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, तो जो यादगार मंदिर बना हुआ है उनके शरीर को पूजते हैं, और आत्मा की पहचान भी शरीर से ही मिलती है, है?
बिना शरीर के पहचान मिलेगी आत्मा को? आत्मा सब बिंदी 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 बिंदी, छोटी बड़ी भी नहीं कि ये बिंदी छोटी ये बिंदी बड़ी, ऐसे होता है क्या? नहीं, वो तो मिसाल दी जाती है स्टार्स के साथ। तारे होते हैं ना आसमान में, वो छोटे बड़े देखने में आते हैं, आते हैं ना, तो वो तो जड़ सितारे हैं। और ये आत्मा तो चैतन्य है ना, तो ये अति सूक्ष्म है। उसकी पहचान तब होती है जब शरीर धारण करे है? और शरीर से एक्ट करे, पार्ट बजाए, उसकी चरण से पता चलता है। बाकी ज्ञान भी नहीं हो है, जिस आत्मा में ज्ञान भी नहीं हो, आत्मा का ख्याल भी नहीं रहता है, तो उसको आत्मा अभिमानी नहीं कहेंगे, उसको कहा जाएगा देह अभिमानी आत्मा। लड़ते रहो भूत प्रेतों से, क्या उनके कब्जे में आ जाना है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बताया, देह को देखते हैं, अंदर सोचते आत्मा बड़ी सुंदर है। अरे नहीं सोचते, क्या सोचते हैं? देह बड़ी सुंदर है। बाकी वास्तव में पहले तो सुंदर आत्मा बनती है ना, कि देह सुंदर बनती है? पहले क्या सुंदर बनती है? चैतन्य सुंदर बनेगा कि जड़ सुंदर बनेगा? लक्ष्मी के दो रूप हैं, महालक्ष्मी है, महाकाली बनती है, और लक्ष्मी महागौरी बनती है। तो किसकी आत्मा सुंदर और किसकी आत्मा एकदम काला पार्ट बजाती है? महाकाली कही जाती है। हाँ, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। जब महा शब्द लगाया जाता है तो जो नीचे काम करता है उसके साथ महाशब्द लगा, जैसे महाब्राह्मण भिखमंगा होता है या दाता होता है, भीख मांगने वाला है। और भीख भी कैसी, जो मर जाते हैं ना, मुर्दे बन जाते हैं ना, है? उनका यूज किया हुआ सामान, कपड़े, लत्ते है, बेड वगैरह वो लेते हैं। अरे दान भी ले तो अच्छा है, सो भी नहीं, ज्ञान का दान ले। गीता में कहा ना, निज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। लड़ो लड़ो लड़ो। अभी क्लास करते समय किससे लड़ना है? नींद से। हाँ नींद से। तो बताया, आत्मा बड़ी सुंदर बनती है ना, तभी उनको ये चोला मिलता है सुंदर। तुम बच्चे भी ये बनना चाहते हो क्या? ये कह के किसकी तरफ इशारा किया है? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। बाबा के पीछे लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था, ब्रह्मा बाबा के पीछे। तो शिव बाबा ने बोला, तुम बच्चे भी ये चाहते हो ना? ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मैं ये लक्ष्मी नारायण बनूंगा, लेकिन उनकी बुद्धि में तो ये है नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण और वो सतयुग के लक्ष्मी नारायण और ये बैकुंठ के लक्ष्मी नारायण, इनमें क्या अंतर है? कुछ अंतर है कि नहीं? क्या है? हाँ,
एक है कर्मातीत, दूसरा कर्मातीत नहीं बनता है, ऐसे ही सोलह सोलह संपूर्ण बन जाता है कलातीत। तो एक नारायण है कलातीत, कलाओं से बनता ही नहीं, नर से नारायण बनने वाला। और दूसरा जो ब्रह्मा बाबा बनते हैं उनकी बुद्धि में कौन सा नारायण, सोलह कला संपूर्ण नारायण बनूंगा सत्युग, सत्युग में सोलह कला संपूर्ण होती है ना, जब युगी ही सोलह कला संपूर्ण तो पैदा होने वाले भी सब सोलह कला संपूर्ण। लेकिन ये बात जो है वो शास्त्रकारों की बुद्धि में, ऋषि मुनियों ने जिन्होंने शास्त्र लिखे, दाढ़ी मूंछ वाले होते हैं भिखारी, उनकी बुद्धि में नहीं रहता। तो क्या लिख लेते हैं, क्या कि कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया कौन से युग में, द्वापर के अंत में। अरे द्वापर कौन थी, किसी का नका होता है, तो मैंने शास्त्रों में क्या लिखा, शास्त्रों में तो लिख दिया सत्युग सोलह कला संपूर्ण, त्रेता चौदह कला संपूर्ण और द्वापर आठ कला संपूर्ण। तो जहां आठ कला पूरे युग में ही होती है आदि से लेकर के, तो फिर वहां कृष्ण सोलह कला संपूर्ण कहां से आ गया, आएगा। और फिर कलाओं के बंधन में आने वाला जो कलाबद्ध है वो कलातीत भगवान कैसे बनेगा, ज्ञान सूर्य बनेगा, सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है, बांधा जाता है नहीं बांधा जाता। तो देखो ये आत्मा कितनी साफ और शुद्ध चाहिए, कितनी साफ और शुद्ध चाहिए, क्या बताएंगे, कितनी साफ और शुद्ध चाहिए, जो सोलह कला जो सत्युग है ना उससे भी ऊंची स्टेज वाली आत्मा बन जाए कलाती। क्या इंद्रियों का सुख का भान ही न रहे, इंद्रियों की याद ही न रहे, है हाँ, इंद्रियों का सुख नहीं लेती है, इंद्रियों से अतीत का सुख, इतनी शुद्ध चाहिए, वाइब्रेशन का सुख लेती है। अब समझ लो कि कलयुग के अंत में जो कलाहीन कलयुग कहा जाता है, उस कलयुग में आकर के कितनी मैल भर जाती होगी आत्मा में। इस आत्मा को ही जब इसमें बहुत मैल भर जाती है तो इसको तमो प्रधान काला कहा जाता है। क्या देखो सीढ़ी के चित्र में देखो है? जो सतयुग है वो कौन से रंग का दिखाया और कलयुग कौन से रंग का दिखाया, काले रंग का कलयुग दिखाया। और झाड़ के चित्र में भी देखो कलयुग कैसे रंग का है, देख लो हाँ काले रंग का है। तो बताया आत्मा जैसा युग वैसी काली बन जाती है, प्रधान कहेंगे एकदम तमो प्रधान फुल कचरा। क्या काय का कचरा, अरे फुल कचरा तो किस बात का कचरा है, हाँ व्यभिचार का कचरा, विकारों का कचरा, विकार होते हैं ना भी, माने विपरीत कारमनकारी। क्या विपरीतकारी, भगवान ने जो रास्ता बताया उस रास्ते को फॉलो नहीं करते, एकदम विपरीत चलन चलते हैं, मन मत पर है, मनुष्यों की मत पर है। जो विकारी मनुष्य होते हैं ना, विकारी गुरु लोग, देहधारी धर्म गुरु इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह सब क्या है, देहधारी है ना, उनकी मत पर चल पड़ते। तो देखो फिर मन मत पर चलने से, मनुष्यों की मत पर चलने से आत्मा में किचड़ा भर जाता है। ये जो चंद्रमा है, चंद्रवंशी है उसके बच्चे है कि नहीं, तो शास्त्रों में क्या लिखा, चंद्रमा ने क्या किया, शादियां तो करके बैठ गए, कितनी 27 शादियां करके बैठ गए,
और फिर प्यार किसको किया, एक के पीछे पड़ गए हाथ धो करके, और बाकी 26 को घास नहीं डाल दे, तो इसे क्या कहेंगे? बेचारी दुखी होंगी या सुखी होंगी है? और दुख देंगे तो अंजाम क्या होगा? दुखी होकर मरेंगे, ऐसे ही होता है ना। हाँ, दुखी होके मरेंगे माने क्या होगा? वही दुखी होते कौन मरते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, तो बुरी बीमारी लग जाती है, खट से मर जाते हैं, है ना, शरीर छोड़ देते हैं, तो क्या कहेंगे? बुरी मौत हुई, अच्छी मौत हुई है? तो देखो ऐसे तो कहा जाता है एक जन्म के लिए अच्छी मौत जो है क्या, हार्ट फेल हुआ और एकदम से भी छोड़ दिया, तो हार्ट फेल होता भी है तो भी शुद्ध संकल्पों में थोड़े ही आत्मा रमण करती है, क्या क्या करेगी, कोई ना कोई देहधारी की याद में रहेगी या नहीं रहेगी? तो आत्मा में उस आत्मा का फुल के चढ़ा भर जाता है। एक तो देह अभिमान का कचरा, सबसे मुख्य विकार कौन सा? पांच विकार तो मुख्य हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है कि भाई मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन उसमें भी देह का अहंकार तो बहुत ही भयंकर है। दूसरा फिर है काम का, काम विकार का, क्रोध विकार का है, ये सभी कचरा बिल्कुल ही कचरा है। अभी क्या करते हैं? अभी तुम बच्चे ये कचरा निकालने के लिए इसको कचरे को निकालने के लिए इसके कोई चीज रखी जाती है ना, नहीं रखी जाती? अरे कपड़े में मैल हो जाता है तो कोई चीज रखी जाती है ना, क्या चीज रखते हैं? वाशिंग, उस वाशिंग को, वाशिंग का नाम क्या है? बाबा ने नाम भी दिया है, है? कि हाँ, साबुन, कौन सा साबुन? अच्छा केरोसिन से कपड़े साफ होते हैं तो केरोसिन उठा लाया करो, है? लक्ष सोप, बाबा ने क्या कहा? वो लक्ष सोप को सदैव बुद्धि में रखो। ये लक्ष सोप क्या होता है? स्थूल कपड़ों को साफ करने वाला लक्ष्य सोप। इंडिया में जो साबुन बना था सबसे पहले वो कौन सा साबुन आया था? कपड़े भी धोते थे, नहाते भी थे, शरीर भी कपड़ा भी साफ करते थे, और ये स्थूल कपड़े हैं वो भी साफ करते थे। क्या नाम था उसका? मुल्तानी मिट्टी की बात नहीं, सोप की बात है, सनलाइट सोप, स्थूल सन, सन माना सूर्य, स्थूल सन की बात है नहीं, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य सनलाइट, और फिर वो आते हैं स्वयं सूर्य तो ज्ञान सागर में सारा क्या करते हैं, समाये जाते हैं कि नहीं, मुकर्रर रूप से समाये जाते हैं। तो बताया कचरा निकालने के लिए क्या चीज समाई जाती है, उसमें रखी जाती है, वो ही पहले बताया, उसे सर्फ नाम दे दो, सनलाइट सोप से सर्फ भी बनता था, कोई भी सोप हो उसको चाकू से घिस दो ऐसे ऐसे करके तो क्या निकलेगा, सर्फ बन जाएगा कि नहीं? हा? तो उसमें से कचरा निकालने के लिए ठहरने के लिए कोई चीज रखी जाती है, रखी जाती है ना कोई चीज, चलो वाशिंग मशीन ही है तो क्या ऐसे वाशिंग कर देगी कपड़ों,
कोई चीज डाली जाती है कि नहीं? नहीं डाली जाती। हाँ वाशिंग पाउडर डालते हैं ना। हाँ तो इनमें से कचरा निकल जावे, वो चीजें रखी जावे तो निकल जावे। तो बाबा ने तो फर्स्ट क्लास चीज बताई है। जैसे दुनिया में लक्सोक सबसे अच्छा माना जाता है, भारत में तो बहुत अच्छा मानते हैं। लक्सोक मानते हैं कि नहीं? कॉस्टली होता होगा, सबको मिलता है क्या? जो ज्ञान धन के साहूकार होंगे वो किसको पकड़ेंगे? लक्सोक को पकड़ेंगे ना। लक्सोक क्या हुआ? हाँ लक्ष्य लक्ष्मी नारायण। हाँ नारायण को भी मलेंगे, लक्ष्मी को भी मलेंगे, दोनों को मलेंगे है? नारायण को मलेंगे, लक्ष्मी को नहीं मलना शुरू कर देना। वो वरदान की जगह क्या मिल जाएगा? अभिशाप मिल जाएगा क्या? लक्ष्मी की तरफ चिपकती चिपकती है जिनकी बुद्धि, तो फिर क्या बन जाते हैं वो? राक्षस। पार्वती की तरफ झुकते थे कि नहीं? तो क्या पार्वती क्या कर देती थी? उनकी मार पिटाई करती थी कि नहीं? मार पिटाई कर देती। तो बताया जब कोई चीज रखी जाती है, जैसे लक्ष्य सोप चाहे लक्ष सर्फ हो और चाहे लक्ष्य का बना हुआ साबुन हो, तो वो डाली जाएगी तो कचरा साफ होगा। ऐसे ये जो मधु है ना, वो भी रखी जाती है तो इसमें जो भी कचरा है वो निकल करके ऊपर आ जाता है, बाकी शुद्ध शुद्ध शहद नीचे रह जाती है। क्या शुद्ध शहद की पहचान क्या है? पानी है ना, पानी में कुछ न कुछ मिट्टी इट्टी कचरा तब तो जरूर होता है, होता है? नहीं होता है? कुछ न कुछ मिट्टी भी होगी, कुछ न कुछ तो होगी जरूर। ऐसे तो नहीं कि मानसरोवर का जल हो जाएगा, हो जाएगा? नहीं। तो जो उसमें शहद डालेंगे तो कहां जाएगी? नीचे बैठेगा कि नहीं? हाँ। तो बाकी शुद्ध शहद रह जाता है, और कलर बदल जाता है। अगर कचरा होगा ना, शहद में कचरा होगा तो पानी का कलर बदल जाएगा ना, बदल जाएगा, एकदम बदल जाता है। समझा ना? तो ऐसे तुम अच्छी तरह से विचार करेगा हरेक अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में विचार करेगा मन बुद्धि में, तो देखेंगे कि अच्छी तरह से मालूम होता है कि भाई वो बहुत कचरा भरा हुआ है, और विकारों का कचरा भरा हुआ है। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बन गए हैं। कौन? पांचों देवता, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, देवता है ना, जड़ के साथ उनकी तुलना की जाती है तो देवता, देवात्मा है, देवात्मा है ना। तो चैतन्य आत्मा परिवर्तन करती है, जड़ परिवर्तन करता है क्या? नहीं। तो अरे भाई लड़ो लड़ो क्या? हाँ तो परवश है आत्मा किसके बस? रावण के बस। रावण के जो बाई ओर के विकार है ना, दस शीश कामी क्रोधी लोभी में ही अहंकारी है, वो दस शीश वाला रावण उसके वशीभूत हो जाए। एकदम बहुत कचरा हो जाता है। वो तो है, लेकिन नहीं क्या लाई है? जो लाई
क्या लाई? जौ लाई। जौ लाई माना जुलाई ना, जौ लाई। कौन सा अनाज होता है जो बहुत ठंडा दिमाग रखता है? जौ। विकारों को नहीं आने देगा। जौ, बार्ले। हाँ, अब क्या करेंगे? बार्ले की रोटी खाएंगे। बाली रोटी। हाँ, बाली रोटी हम बनाते हैं। बहुत ठंडा दिमाग हो जाएगा तो वो ब्रह्मा बाबा बन जाएंगे, हिमालय पहाड़। उसमें बेसन भी डालना है। हाँ, चना भी डालना है, थोड़ा थोड़ा सा। अभी तो गंदम खाने का युग चल रहा है ना। क्या बुद्धि गंदम खाना छोड़ देती है क्या? एकदम बुढ़ा हो जाएगा तो भी नहीं छोड़ती। क्या कहा बाबा? 70 साल के, 80 साल के बुढ़े हो जाते हैं तो भी। तो 1, 6, 7। हाँ, 1, 7। 1, 7 और 31। 21। 21। हाँ, 1, 7, 21।